एक छोटा केंट। हेलो दोस्तों, मैं केंट, प्यारा सा छुटकू सा एलिफेंट, क्योंकि मेरा नाम है केंट। मैं हूँ छुटकू सा एलिफेंट। मैं तोड़ूंगा कुछ फल डिफरेंट। ये है फलों का गार्डन, इसका नाम है सेंट। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहले कौन सा फल पेड़ पे आने वाला है। अरे ये क्या हो सकता है। चलो इसमें से देखकर ढूंढते हैं कि ये कौन सा फल हो सकता है। क्या ये बनाना यानी केला हो सकता है। लगा कर देखते हैं। नहीं ये तो नहीं लग रहा। तो फिर ये वाटरमेलन यानी तरबूज होगा। नहीं ये तो बहुत ज्यादा बड़ा है। तो शायद एप्पल यानी सेब होगा। हाँ ये एप्पल यानी सेब है और ये लग गया। अब मैं अपनी इस टमटम गाड़ी में सारे सेब तोड़कर रख लूंगा। चल मेरी टमटम चल 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 मेरी टमटम चल चल चल। अब आगे चल के देखता हूँ कौन सा पेड़ आएगा। अरे ये क्या फटाक से दूसरा पेड़ भी आ गया। चलो एक बार सारे फल मिलाकर देख लेते हैं। तो चलो इसमें सबसे पहले संतरा लगाते हैं यानी कि ऑरेंज। नहीं ये तो नहीं लग रहा। आपको क्या लगता है कौन सा लगा कर देखूं? वाटरमेलन यानी तरबूज लगाओ। नहीं ये भी ठीक नहीं लग रहा। शायद थोड़ा सा लंबा फ्रूट है ये। नहीं ग्रेप्स यानी अंगूर भी नहीं लगेंगे। शायद ये बनाना यानी केला हो सकता है। हाँ ये बनाना यानी केला ही है और इसमें ढेर सारे लगे हुए हैं। अरे वाह मजा आ गया। मैं सारे तोड़ कर अपनी टमटम गाड़ी में रख लेता हूँ। टिम मंकी है ना उसे ये बहुत पसंद है। चल मेरी टमटम चल चल चल। अरे ये तो जमीन पर है, यहाँ तो पेड़ ही नहीं है। ओ, ये तो सिर्फ बेले हैं, वो भी जमीन पर। चलो लगा कर देखते हैं क्या ये एप्पल हो सकता है। नहीं ये तो बहुत छोटा लग रहा है। शायद ये बनाना यानी केला हो सकता है। नहीं ये भी बहुत छोटा लग रहा है। समझ नहीं आ रहा कौन सा होगा। वाटरमेलन यानी तरबूज लगा कर देखता हूँ। अरे वाह ये तो फिट बैठ गया। ये हमने ये भी कर दिखाया। अब इसे अपनी टमटम गाड़ी में रख के ले जाता हूँ घर। ये आज मैं जूस पीऊंगा। चल मेरी टमटम चल चल चल। अब पता नहीं किस चीज का पेड़ आने वाला है। ये भी सेब के जैसे ही है। इस पर कौन से फल लगते होंगे समझ नहीं आ रहा। क्या लगता है आपको सबसे पहला कौन सा लगा कर देखूं? क्या मैं एप्पल यानी सेब लगा कर देखूं? अरे नहीं हमने सेब तो लगा लिया है। तो फिर क्या ये संतरा यानी ऑरेंज का पेड़ होगा? लगा कर देखता हूँ। अरे हाँ ये तो ऑरेंज का ही पेड़ है। आ गई मेरी टमटम गाड़ी, आ गई मेरी टमटम गाड़ी। चलो मैं संतरे भर लेता हूँ। और भर लिए। चल मेरी टमटम चल 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 मेरी टमटम चल चल चल। अरे ये भी पेड़ नहीं है, ये भी बेल है। इस पर क्या लगते होंगे समझ नहीं आ रहा। चलो सारे लगा कर देखते हैं। क्या ये वाटरमेलन यानी तरबूज का पेड़ होगा? अरे नहीं वाटरमेलन तो जमीन पर उगता है। इसका पेड़ तो हमने ढूंढ लिया है। क्या ये संतरे का पेड़ हो सकता है? अरे नहीं ये तो बहुत ही छोटा लग रहा है इसके सामने। ये भी नहीं है। कौन सा हो सकता है? ग्रेप्स लगा कर देखो। अरे वाह ये तो ग्रेप्स यानी अंगूर की ही बेल है। ये चल मेरी टमटम चल 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 मेरी टमटम चल चल चल। अब मैं अंगूर यानी ग्रेप्स भर लेता हूँ। चलो चलो टमटम गाड़ी चलो चलो टमटम गाड़ी। क्या बात है दोस्तों, हमने फल और पेड़ मैच कर लिए। हमने सेब ढूंढा, केला ढूंढा, अंगूर ढूंढे और हाँ हमने संतरा भी ढूंढा और तरबूज भी। अब मैं घर जाऊंगा और इन सब को काट कर एक यम्मी सा फ्रूट सैलड बनाऊंगा। बाय दोस्तों फिर मिलूंगा। हेलो दोस्तों कैसे हो? मैं आ गया आपका प्यारा सा छुटकू सा दोस्त कैंडी एलिफेंट। मैं मम्मा पापा के साथ पिकनिक पर आया हूँ। यहाँ बहुत सारे जानवर हैं, वो भी मेरी तरह क्यूट हैं। पर यहाँ एक गड़बड़ भी है। मेरा नाम है केंट, मैं हूँ छुटकू सा एलिफेंट। पर है ये मुसीबत बड़ी अतरंग, ये बच्चे नहीं है मम्मी के संग। तो चलो देखते हैं, यहाँ पर हैन यानी मुर्गी है, गोट यानी बकरी है, काउ यानी गाय भी है, घोड़ा यानी हॉर्स है और डक यानी बतख भी है। ये
ठीक है, पर गड़बड़ कहाँ है? अरे हाँ, ये सारे बेबीज अपनी मम्मा के साथ नहीं है। ओहो, ये तो गड़बड़ हो गई। चलो इन्हें अपनी मम्मी से मिलवाते हैं। चलो शुरू करें। यहाँ है बच्चे और ये है हैन यानी मुर्गी। क्या मुर्गी के बेबी को फोल कहते हैं? अरे नहीं, ये तो बहुत ज्यादा बड़ा है, ये नहीं हो सकता। तो फिर शायद डकलिंग होगी। नहीं, ये भी नहीं है, ये तो मैच कर ही नहीं रही। तो फिर कैन का बेबी ये किड होगा? नहीं, ये भी नहीं हो सकता, ये तो इनसे बहुत बड़ा है। चलो इसे वापस डाल देते हैं। काफ, अरे नहीं, ये भी इनसे बहुत बड़ी है, ये भी इनकी बेबी नहीं हो सकती। अब सिर्फ बची है ये चिक। अरे हाँ, हैन और चिकन। क्लक क्लक, ट्वीट ट्वीट। इन्हें अपनी बेबी मिल गई और ये लोग कितने खुश हैं। चलो अब देखते हैं कि हॉर्स यानी घोड़े का बेबी कौन हो सकता है? क्या किड है? नहीं, ये तो नहीं हो सकता। तो फिर शायद ये चिकन होगा। नहीं, ये तो बहुत ही छोटू है मेरी तरह। अब कौन सा वाला ट्राई करें? अरे हाँ, फूल। अरे हाँ, हॉर्स के बेबी को तो फूल कहते हैं। हॉर्स और फूल। तो बताओ, काऊ यानी गाय के बेबी को क्या कहते हैं? एक फूल तो नहीं कहते, क्योंकि अभी हमने सीखा है कि एक घोड़े के बेबी को कहते हैं, तो फूल तो नहीं हो सकता। क्या ये किड हो सकता है? इनकी आवाज तो मिल ही नहीं रही। नहीं, ये भी नहीं हो सकता, रंग भी अलग है। क्या डकलिंग हो सकती है? ये भी नहीं हो सकती, ये तो बहुत छोटी है। मुझे लगता है इनका बेबी होगा काफ। ये काओ की बेबी को काफ कहते हैं। काओ और काफ, मू। अब बताओ कि गोट यानी बकरियों के बेबी को क्या कहते हैं? काफ कहते हैं? मू। नहीं नहीं, तो शायद किड होगा। हाँ, सही पहचाना, गोट के बेबी को किड कहते हैं। जैसे हम इंसानों के बेबीज को भी किड कहते हैं, वैसे ही। चलो चलो, आप बताओ कि डक यानी बतख के बेबी को क्या कहते हैं? काफ तो नहीं हो सकता। अरे ये तो काव का बेबी होता है ना, अभी तो पता लगाया था। तो क्या चिकन हो सकता है? नहीं, इसकी मम्मी तो हैन होती है ना। हाँ, इसे भी वापस रख देते हैं। हाँ, डकलिंग। डक की बेबी को डकलिंग कहते हैं। कितने खुश है दोनों। क्वैक क्वैक। अब मैं भी अपनी मम्मी के पास जा रहा हूँ। और पता है एलिफेंट के बेबी को क्या कहते हैं? हाँ, काफ कहते हैं, मैं काफ हूँ। आज हमने सारे मम्मी एनिमल्स और उनके बेबीज के नाम सीखे हैं। तुम लोग घर पे इसे रिवाइज करना। अगली बार फिर मिलूंगा, बाय। हेलो दोस्तों, मैं आ गया आपका प्यारा सा छोटा सा दोस्त केंट। आज बहुत मजा आने वाला है। मेरा नाम है केंट, मैं हूँ छोटू सा एलिफेंट। हमेशा रहता हूँ मस्त मगन, चीजें ढूंढूंगा दोस्तों के संग। चलो ऑब्जेक्ट्स ढूंढते हैं। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला वाला है फाइंड द एप्पल यानी सेब को ढूंढना। लाल लाल सेब, खा जाऊं क्या? नहीं, पहले ढूंढ लेता हूँ। चलो 3, 2, 1। चलो दोस्तों जल्दी जल्दी सेब को ढूंढो। जल्दी जल्दी, टाइम निकल रहा है। लाल लाल सेब, लाल लाल एप्पल, रेड रेड एप्पल, मिला क्या? वो रहा बेंच के ऊपर। अब जाओ खा लो। An apple a day keeps the doctor away. अब है फाइंड माय कार यानी गाड़ी। वाओ, लाल लाल गाड़ी। बताओ कहाँ छुपी हुई है प्यारी सी गाड़ी? 3, 2, 1। जल्दी जल्दी ढूंढना, टाइम निकल रहा है। कहाँ है, कहाँ है? क्या वो चेयर पे है? नहीं। क्या वो पेंटिंग के पास है? नहीं। क्या मिली? वो रही शेल्फ पर। वाह, बहुत बढ़िया दोस्तों, तुम्हें रेड कार मिल गई। अब है फाइंड माय सॉकर बॉल यानी कि फुटबॉल। क्या तुम फुटबॉल से खेलते हो दोस्तों? मैं भी खेलता हूँ। चलो अब इसे ढूंढो। 3, 2, 1। जल्दी करना, टाइम बहुत कम है। जल्दी। क्या वो लैंप के पास है? नहीं। क्या वो बेड के ऊपर है? हाँ, दिखाई तो नहीं दे रही। कहाँ है बॉल? वो रही, आधी छुपी हुई थी। क्या तुमने ढूंढा? बहुत बढ़िया, मैंने तो ढूंढ लिया। अब है फाइंड द स्नोमैन
तो बताओ दोस्तों, स्नोमैन कहाँ पर होगा? 3, 2, 1 शुरू हो जाओ। कैट की ड्राइंग दिख रही है, डॉगी भी है, मिक्की माउस, फ्लावर और एप्पल और सनसेट और अरे हाँ, एकदम नीचे कोने में छुपा हुआ था शैतान स्नोमैन। मिला ना आपको? अब हमें ढूंढना है बनाना यानी केला। फाइंड अ बनाना। बनाना कहाँ है जरा बताना। चलो अब टाइम शुरू होने वाला है। 3, 2, 1 गो। क्या वो टेबल पर कहीं है? दिखाई तो नहीं दे रहा। सैलेड की बोल के पास भी नहीं है। कहाँ होगा वो? रहा अकेला अकेला मिक्सर के पास। ये आपने ढूंढ निकाला। चीजें ढूंढने में तो बहुत मजा आया दोस्तों, और हमने काफी कुछ सीखा भी। बहुत मजा आया। तो आप लोग इस केंट को देखते रहिए और बहुत कुछ सीखते रहिए। मैं हूँ केंट द एलिफेंट, बाय। हेलो दोस्तों, मैं आ गया आपका केंट। अरे ये क्या, केंट का रूम तो कुछ ज्यादा ही गंदा है। पहले साफ करना पड़ेगा, उसके बाद हम खेलेंगे दोस्तों, ठीक है? मेरा नाम है केंट, मैं हूँ छुटकू सा एलिफेंट। आज करनी है क्लीनिंग माय फ्रेंड और सीखेंगे एडिशन टिल द एंड। हमें रूम में बिखरे हुए सारे खिलौने उठाने हैं और उन्हें अपनी जगह पर रखना है। तो चलो शुरू करें। ये रही मेरी सॉकर बॉल यानी कि फुटबॉल, और ये रही मेरी 2 बास्केटबॉल। अब देखना पड़ेगा कि मेरे कबर्ड में कितनी बॉल फिट हो पाएंगी। चलो कोशिश करके देखते हैं। तो सामने कितनी बॉल नजर आ रही हैं? क्या गिनती करने में मदद करोगे? तो चलो, 1 सॉकर बॉल यानी फुटबॉल और 2 बास्केटबॉल। 1 + 2 होता है 1, 2, 3। हाँ सही कहा, 1 + 2 होता है 3। वाह क्या बात है, हमने एडिशन सीखा। अब इन्हें शेल्फ में रख दिया। मेरी कार, मेरे पास 2 लाल कार है और 2 पीली कार्स। जब लूक और टिम आते हैं तो वो इन गाड़ियों को लेकर झगड़ते ही रहते हैं। मेरे पास है 2 रेड कार और 2 येलो कार। तो मेरे पास कितनी कार्स हुई बताओ? 1, 2, 3 और 4। 2 + 2 होते हैं 4। क्या बात है, हमने गिनती सीखी। रूम रूम चलो गाड़ी में। अब इसे रख दिया शेल्फ में। अब बुक्स की गिनती करेंगे। देखते हैं मेरे पास कितनी बुक्स हैं। मेरे पास हैं 3 गुलाबी बुक्स और 3 नीली बुक्स। तो हुई कितनी बुक्स? 1, 2, 3, 4, 5, 6। मतलब 3 और 3 होते हैं 6। क्या बात है दोस्तों, हमने गिनती कर ली। अब इन्हें इनकी जगह पर रख देते हैं। रख दी। अब मैं करूँगा फ्लोर की सफाई। क्या और कुछ करना बाकी है? अरे हाँ, ये सारे क्रेयॉन्स गिनने बाकी हैं। मेरे पास हरे क्रेयॉन हैं और नीले। चलो अब इनकी गिनती करते हैं। 4 + 4 हुए कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यानी 4 + 4 होता है 8। मेरे पास है 8 क्रेयॉन। अब चलो इन्हें इनकी जगह पर रख देते हैं। और टिंग 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 रख दिया। सफाई में मदद करने के लिए थैंक यू। बाय बाय दोस्तों। हेलो दोस्तों, मैं आ गया आपका दोस्त केंट द एलिफेंट। मैं थोड़ा सा थक गया हूँ, बाजार गया था ना, पर एक प्रॉब्लम है, फल और सब्जियाँ मिक्स हो गयी। मेरा नाम है केंट, मैं हूँ छुटकू सा एलिफेंट। सब्जियाँ और फल हो गए हैं मिक्स, मेरी ये प्रॉब्लम कर दो ना तुम फिक्स। क्या कहा, ये मुश्किल नहीं है? ठीक है तो हम सब मिलके सॉल्व करते हैं। ये है 2 टोकरियाँ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की। एप्पल यानी सेब को किस में डालूं? हाँ ये तो फ्रूट है, तो फ्रूट के बास्केट में गया। और ये कैरेट यानी गाजर की कहाँ जाएगी? हाँ ये तो वेजिटेबल है ना, डाल
दिया वेजिटेबल की टोकरी में। और ये है ऑरेंज यानी संतरा। ऑरेंज तो फ्रूट है, पता है ना दोस्तों, तुम सब तो बहुत अच्छा कर रहे हो। अब है एग प्लांट यानी की बैंगन। इसे मैं डाल देता हूँ वेजिटेबल की टोकरी में। हाँ, क्योंकि ये वेजिटेबल ही है। ये है ब्रोकली। ब्रोकली किस में डालूं? हाँ, वेजिटेबल में। बहुत बढ़िया दोस्तों। ये है स्ट्रॉबेरी, मेरी फेवरेट, और इसे मैं डालूंगा फ्रूट के बास्केट में। और ये क्या है? ये स्पिनच है यानी पालक, और इसे हम डालेंगे वेजिटेबल की टोकरी में। बहुत बढ़िया दोस्तों। और ये है कॉलीफ्लावर यानी फूल गोभी, ये भी एक वेजिटेबल ही होता है। डाल दिया। और ये क्या है? ये है ग्रेप्स, और इन्हें मैं डालूंगा फ्रूट बास्केट में। ये क्या होता है? ये है बनाना, ये भी एक फ्रूट होता है। इतना तो हम जानते ही हैं। और ये है जुकीनी, ये होती है वेजिटेबल। और ये क्या है? ये है वाटरमेलन यानी तरबूज, इसे किस में डालूं? ये फ्रूट है। वाह, हमने सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अलग कर लिए दोस्तों। तुम सबने मेरी बहुत मदद की। फ्रूट बास्केट में है हमारे पास एप्पल यानी सेब, केला यानी बनाना, वाटरमेलन यानी तरबूज, स्ट्रॉबेरी, ग्रेप्स यानी अंगूर, और ऑरेंज यानी संतरा। वेजिटेबल बास्केट में हमारे पास है ब्रोकली, कैरेट यानी गाजर, कॉलीफ्लावर यानी फूल गोभी, स्पिनच यानी पालक, एग प्लांट यानी बैंगन, और जुकीनी। हमने सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल अलग कर लिए। और याद रखना कि ये सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने से हम हेल्दी रहेंगे। बाय बाय। हेलो दोस्तों, मैं आ गया। तो चलो शुरू करते हैं। हमें इस गेम में फार्म पर जो एनिमल्स पाए जाते हैं उनका नाम पजल में ढूंढना है। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। ये वर्ड फार्म पजल। ये तो बहुत आसान है, मैं तो चुटकियों में ढूंढ लूंगा। सबसे पहले गाओ। तो चलो हम ढूंढते हैं लेटर्स सी ओ डब्ल्यू। सी, सी कहाँ है? हाँ, मिल गया। अब मैं ढूंढता हूँ दूसरा लेटर ओ। हमें सी के अगल बगल ही देख रहा है ओ लेटर। क्या आपको कहीं दिखाई दिया? मुझे दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, वो रहा ओ, मिल गया ओ, और वो रहा डब्ल्यू। सी ओ डब्ल्यू, गाओ यानी गाय। ये, चलो अब देखते हैं अगला एनिमल कौन सा है। ओ, आपको क्या लगता है कौन सा एनिमल होगा? अरे, ये तो डक है। इसकी स्पेलिंग है डी यू सी के, डक। क्या कहीं डी दिखाई दे रहा है? डी डी डी, वो रहा डी। अब अगला हमें ढूंढना है यू। क्या डी के आसपास यू दिख रहा है? दिखा दिखा दिखा। हाँ, वो रहा, उसके नीचे। मिल गया डी और यू। इसके बाद हमें ढूंढना है सी। यू के नीचे मिल गया सी, और उसके नीचे के भी मिल गया। हमारा दूसरा एनिमल मिल गया, डी यू सी के, डक। क्वाक क्वाक। अब अगला जानवर कौन सा होगा? चिकन। ओ, ये तो बहुत लंबी स्पेलिंग है। हमें शुरू करना है सी ढूंढने से। चलो सी ढूंढते हैं। कहाँ है सी? सी 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 सी, दो सी है। हाँ, चिकन में दो सी होते हैं, पर अब हमें एच ढूंढना है। एच एच कहाँ होगा? एच एच सी के बगल में। हाँ, वो रहा ऊपर, और उसके बाद है आई, फिर सी, फिर के, ई और एन। हमें मिल गया चिकन। ये चलो अब अगले पजल की तरफ चलते हैं। इसमें कौन सा? ओ, हॉर्स। H O R S E, हॉर्स। सबसे पहले हमें ढूंढना है H।
एच मिला। कहाँ है एच? हाँ वो रहा। ये फिर मिल गया ओ, और उसी के बगल में आर, फिर एस, और उसके बगल में ई, एच ओ आर एस ई, हॉर्स। हमें मिल गया। हम तो फटाफट सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों। अब ये आखिरी वाला है। ये है गुड, जी ओ ए टी। कहीं जी दिखाई दे रहा है? जी हाँ वो रहा। उसके बाद हमें ढूंढना है ओ। ओ कहाँ है? ओ ओ ओ ओ, हाँ जी के नीचे ओ, और उसके बाद मिल गया ए और टी। ये जी ओ ए टी, गुड, मिल गया। मैं केंट ने सारे पजल सॉल्व कर दिए और अब मैं सबके साथ में डांस कर रहा हूँ। आज बड़ा मजा आया। सीखने का इससे अच्छा तरीका और क्या होगा? स्पेलिंग्स रिवाइज करते रहना। मैं फिर मिलूंगा, बाय बाय। हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ गया। मेरा नाम है केंट, मैं हूँ चुटकु सा एलिफेंट। आज का गेम है फाइंड द डिफरेंस, तो चलो हम सब खेलते हैं फ्रेंड्स। चलो शुरू करते हैं। क्या आप सब बता सकते हो कि इन दोनों वीडियोस में फर्क क्या है? बताओ बताओ। हाँ, ये तो मेरा और लोक का वीडियो है। दोनों में ही मैं माउथ ऑर्गन बजा रहा हूँ, लेकिन फर्क क्या है पता चला? टाइम खत्म। अब मैं बताता हूँ। जो राइट साइड वाला वीडियो है उसमें वो छुटकु सी बर्ड मिसिंग है। हाँ, यही फर्क था दोनों वीडियोस में। अब चलो दूसरे वीडियो की बारी है। इसमें भी कोई फर्क होगा, बता सकते हो क्या? लुक तो मुझे दोनों में ही नजर आ रहा है। चलो अब तितली अगेन लेते हैं। लेफ्ट वाली में है एक, दो, तीन, चार, और राइट। अरे टाइम खत्म हो गया। क्या आपको पता लग गया कि इसमें क्या फर्क है? बिल्कुल सही कहा, राइट वाली में एक तितली मिसिंग है। बहुत बढ़िया दोस्तों, अब चलते हैं अगले वीडियो की तरफ। इस वीडियो में केंट फिर से आ गया, आपका छुटकु सा एलिफेंट। चलो चलो टाइम शुरू हो गया है, फर्क ढूंढो। क्या है फर्क? मैं तो दोनों में डांस कर रहा हूँ। क्या पता लगा आपको? मुझे तो पता लग गया, और टाइम खत्म। बिल्कुल सही कहा, राइट वाली में मेरी एक फोटो मिसिंग है। अब चलो दूसरे वीडियो की ओर चलते हैं। देखते हैं इसका पता लग पाता है या नहीं। इसमें लूक और मैं ड्राइंग बना रहे हैं, और टाइम शुरू हो गया। जल्दी जल्दी ढूंढो क्या फर्क हो सकता है। क्या तारे जो मैं बना रहा हूँ वो कम है? नहीं। अरे टाइम तो खत्म हो गया। मुझे तो पता लग गया है, राइट वाली में दो क्रेयॉन्स मिसिंग है। क्या आपको पता लगा था? चलो अब अगले वीडियो की ओर। वाओ, इस वीडियो में मैं, लूक और टिम, हम तीनों हंस रहे हैं, मजे कर रहे हैं और आइसक्रीम खा रहे हैं। जल्दी जल्दी टाइम खत्म होने वाला है, फर्क ढूंढो। तो पता लगा कि क्या फर्क है? जल्दी जल्दी बताओ, मुझे तो पता है। हाँ, राइट वाली में तो टिम के पास आइसक्रीम है ही नहीं। वो तो ऐसे ही अपना हाथ चाट रहा था। क्या आपने सारे फर्क ढूंढे दोस्तों? मुझे तो बहुत मजा आया ये गेम खेलकर। आपको भी आया होगा ना? फिर से मिलूंगा, बाय। हाय दोस्तों, मैं आ गया आपका दोस्त केंट। मेरा नाम है केंट, मैं हूँ चुटकु सा एलिफेंट। आज की सीख भूलेंगे नहीं कल, हम सॉल्व करेंगे जिग्सो पजल। ओ, ये तो गांव वाला पजल है। अरे वाह, इतने सारे पीसेस हैं। पहले किनारे वाला लगाता हूँ ताकि पजल सॉल्व करना आसान हो जाए। उसके बाद इसका पेटू लगाऊंगा, और उसके बाद फिर से आसमान। अरे ऐसे नहीं लगेगा। हाँ ऐसे। अब जमीन का टुकड़ा। ये हमने कोने के चारों पीसेस लगा दिए। अब चलो मुंह वाला पीस लगाते हैं। अरे नहीं, ऐसे नहीं। हाँ ऐसे। और अब लगाएंगे पैरों वाला हिस्सा। ये बस पूरा होने वाला है दोस्तों। अब ये वाली फेंस। अरे ऐसे नहीं। हाँ ऐसे। फेंस का एक टुकड़ा लगाते ही वो वाली रो पूरी हो गई। ये देखो, एक और हो गया, और फेंस का एक और टुकड़ा। अब सिर्फ बचे हैं चार। आसमान का एक और टुकड़ा लगा दिया, और अब काव की पूंछ भी लगा दी। अब सिर्फ दो बचे हैं, ये रहा एक पैर, और ये हो गया। ये बहुत बढ़िया दोस्तों। क्या आप जानते हैं काव क्या आवाज निकालती है? मू। हाँ सही कहा। अब दूसरे पर
पजल की बारी। ये है मुर्गी और उसका चूजा, यानी मम्मी और बेबी। तो सबसे पहला कौन सा उठाऊं? हाँ, कोने वाला आसमान वाला पीस, उसके बाद घास वाला पीस, और उसके बाद लगाऊंगा तीसरा कोने वाला पीस, और फिर बताओ। हाँ, चौथा कोने वाला पीस, उसके बाद मुर्गी का मुंह। अरे नहीं, हाँ ऐसे फेंस का पीस लगा देता हूँ, उसके बाद ये आसमान वाला पीस। तुम तो सीख रहे हो, उसके बाद कौन सा लगाना है? अरे नहीं, ऐसे नहीं, हाँ ऐसे। बहुत बढ़िया दोस्तों। अरे वाह, एक और फेंस का पीस लगा दिया। आसमान बस पूरा होने वाला है दोस्तों, और ये लगा दिया बेबी वाला पीस। अरे वाह, अब हम लगाएंगे मम्मी हेन वाला पीस। अरे नहीं, ऐसे नहीं, हाँ ऐसे। और ये लगाया बेबी की आंख वाला पीस। अब दो ही बचे हैं, मम्मा हेन की आंख वाला पीस और पैरों वाला पीस, और हो गया। बहुत बढ़िया दोस्तों, ये वाला तो जल्दी हो गया। बेबी चिक आवाज निकालती है, ट्वीट 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 ट्वीट। देखो कितनी प्यारी लग रही है ना। ओह, अब घोड़े वाला पजल। कितना प्यारा लग रहा है ना, बताओ पहले कौन सा लगाऊं? हाँ, कोने वाला पीस, सीख रहे हो दोस्तों। और दूसरे कोने वाला पीस लगा दिया, अब तीसरा पीस भी लगा दिया, और चौथा। इससे पजल सॉल्व करना आसान हो जाता है। अब लगाते हैं मुंह वाला पीस। अरे नहीं नहीं, ऐसे नहीं, हाँ ऐसे। अब रस्सी वाला पीस, अब लगाएंगे हॉर्स के पैरों वाला पीस। बहुत बढ़िया, अब ये कान, नहीं ऐसे नहीं, हाँ बहुत बढ़िया। अब लगाएंगे घोड़े के सैडल वाला पीस, और अब ये साइड वाला पीस, बस होने वाला है, हाँ ऐसे। अरे नहीं, ऐसे नहीं, हाँ ऐसे। चलो अब लगाते हैं ऊपर वाला पीस। अरे नहीं, ऐसे नहीं दोस्तों, अब बचे हैं सिर्फ तीन। नीचे वाला हो गया, और ये है पूंछ वाला पीस, और आखिरी वाला है। बहुत बढ़िया दोस्तों, हाँ, और पजल पूरा हो गया। तो बताओ हॉर्स कौन सी आवाज निकालता है? हाँ, हॉर्स करके बात करता है। अब आ गया छुटकू सब पिगी वाला पजल। बहुत सारे पीसेज है ना। चलो अब शुरू करते हैं कोने वाले पीस से। अब दूसरी साइड के कोने वाले पीस को लगा दिया, और अब आसमान वाला पीस, और कोने वाले चारों पीसेज लगा दिए। अब कौन सा? मुंह वाला। अरे नहीं दोस्तों, हाँ लगा दिया। अब नीचे वाला पीस, और ये फेंस वाला पीस ना, हाँ लगा दिया। अब फेंस वाला पीस, और ये भी लग गया। तुम तो बहुत जल्दी कर रहे हो दोस्तों। हाँ बहुत बढ़िया, और अब हम लगाएंगे फेंस का आखिरी पीस, और हो गया। और ये बीच वाला पीस लगा के रो कंप्लीट हो गई। अब आंख वाला पीस, नहीं ऐसे नहीं, हाँ ऐसे। अब पिगी का हाथ वाला पीस। बहुत बढ़िया, अब सिर्फ दो ही बचे हैं। दूसरा हाथ वाला पीस भी लगा दिया, और आखिरी है पिगी का पेटू। हाँ बहुत बढ़िया, तुमने तो सॉल्व कर दिया दोस्तों। पिगी आवाज निकालते हैं, ओंक 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 ओंक। देखो कितने सारे हैं, है ना, प्यारे लग रहे हैं। चलो आपसे बाद में मिलता हूँ, बाय। हेलो दोस्तों, मैं आ गया आपका प्यारा सा दोस्त केंट। तो आज हम नंबर्स याद करेंगे 1 से 10 तक। ये गिनती सीखने में बड़ा मजा आएगा। मेरा नाम है केंट, मैं हूँ छुटकू सा एलिफेंट। मम्मा ने की है शॉपिंग लिस्ट सेंड, ताकि याद हो नंबर 1 से 10। ये हुरे। अरे क्या हुआ, समझ नहीं आया? अरे हम सामान खरीदते हुए नंबर सीखेंगे। चलो, मैं सुपरमार्केट आ गया, और मैंने ट्रॉली भी ले ली। अब मैं लिस्ट निकाल के देखूंगा कि पहली चीज कौन सी लेनी है। पहले लेना है दूध का एक डब्बा, और ये डाला ट्रॉली में। लिस्ट की पहली चीज हो गई, टिक मार्क कर दिया। अब अगली है 2 एप्पल्स यानी सेब। तो चलो एप्पल्स ले लेते हैं। कितने प्यारे एप्पल्स है ना। ये रहा एक एप्पल, और दूसरा एप्पल भी डाल दिया। दूसरी चीज भी टिक हो गई। अब लेने हैं 3 पैकेट क्रैकर्स के।
तो चलो दोस्तों जाके क्रैकर्स ढूंढते हैं। अरे वो देखो वो रहा। ये रहा एक पैकेट, दो पैकेट और तीन पैकेट ले लिए। और ये भी देखो गया। अब लेने हैं चार जार जैम के। या मुझे जैम बहुत पसंद है। एक दो तीन और चार, ये भी टिक मार्क हो गया। उसके बाद हमें लेने हैं पांच पैकेट कुकीज के। मुझे कुकीज बहुत पसंद है, मैं उन्हें दूध के साथ खाता हूँ। एक दो तीन चार पाँच, सारे कुकीज के पैकेट ले लिए। अब अगला कौन सा है? लिस्ट की अगली चीज है 6 गाजर लेना, यानी कि कैरेट। कैरेट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। चलो दोस्तों मेरे साथ गिनती करो। 1 2 3 4 5 6, कैरेट भी ले लिए और टिक मार्क भी कर दिया। उसके बाद हमें लेनी है 7 ब्रोकली। ब्रोकली को मैं गरम गरम सूप में डालकर खाता हूँ। गिनती करो 1 2 3 4 5 6 7, हो गया। अगली चीज है 8 टमेटोज, मतलब टमाटर। तो चलो गिनती करो। ले लिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। आज मैं जाकर टमाटर का सूप पीऊंगा। और ये टिक मार्क हो गया। अब हमें लेने हैं 9 बनानास, यानी केले। ओ मुझे बनाना बहुत पसंद है, क्या आपको भी पसंद है? चलो गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, बहुत बढ़िया, टिक मार्क कर लिया। अब आखिरी चीज है 10 मफिन्स, यम यम। और मैंने ट्रॉली में डाल दिया एक पैकेट जिसमें है 10 मफिन्स। और आखिरी चीज भी टिक हो गई। क्या बात है दोस्तों, हमने हंसते खेलते और बहुत कुछ सीखते हुए लिस्ट की सारी चीजें ले ली। 1 पैकेट दूध का, 2 सेब, 3 पैकेट क्रैकर्स के, 4 जैम के डिब्बे, 5 कुकी के पैकेट्स, उसके बाद 6 गाजर यानी कैरेट, उसके बाद 7 ब्रोकली, फिर 1 टमेटोज यानी टमाटर, उसके बाद 9 केले यानी बनानास, और आखिर में 10 मफिन्स। वाओ, हमने तो ये चुटकियों में कर लिया है ना दोस्तों, और गिनती भी सीख ली, क्या बात है। चलो रिवाइज करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप लोग तो सीख गए। थैंक यू दोस्तों मेरी शॉपिंग करने में मदद करने के लिए और मेरे साथ गिनती करने के लिए। अब मैं जल्दी जल्दी घर जाता हूँ। बाय दोस्तों, मैं फिर से आऊँगा, आपका दोस्त कैंटी एलिफेंट। तब तक के लिए नंबर्स की रिवीजन करते रहिए। हेलो दोस्तों, मैं आ गया, आपका प्यारा सा छुटकु सा दोस्त कैंटी एलिफेंट। दोस्तों पता है हमें हर रोज नई नई बातें कौन सिखाता है? वो है हमारी टीचर, जो स्कूल में हमें रोज कुछ नया सिखाती है। आई लव माई टीचर। वो रोज हमें होमवर्क देती है जिसे हम घर पर आकर पूरा करते हैं। मैं तो हर रोज अपना होमवर्क करके जाता हूँ। दोस्तों तुम सब भी करके जाते हो ना? टाइम पर होमवर्क करना बहुत जरूरी होता है। टीचर हमारा क्लास टेस्ट भी लेती है और उसमें लियो फर्स्ट आया था और मैं सेकंड। उसके बाद उन्होंने हमें 1 से 10 तक की गिनती लिखने के लिए कहा, लेकिन उसमें सबसे पहले मोमो ने गिनती पूरी कर ली और फिर हम सब ने। उन्होंने हमें अल्फाबेट्स भी सिखाए, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। पता है 26 लेटर्स होते हैं, तुम सब जानते हो ना, आज रिवाइज कर लेना। और पता है टीचर हमें बाहर ग्राउंड में भी लेकर जाती हैं और हम अलग अलग खेलों के बारे में सीख लेते हैं। एक दिन हमने सोचा कि टीचर को कुछ गिफ्ट दिया जाए, इसीलिए हमने बगीचे से कुछ फूल तोड़कर उन्हें दे दिए और वो मेरी टीचर को बहुत पसंद आए।
उन्होंने हमें ग्रीटिंग्स और मैनर्स भी सिखाए हैं, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट और प्लीज वेलकम और थैंक यू। टीचर ने हमें दिनों के नाम भी सिखाए हैं, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। संडे को मैं बहुत खेलता हूँ। टीचर ने हमें ये भी सिखाया कि कैसे कैटरपिलर से एक बटरफ्लाई यानी तितली बनती है, और वहाँ हमें बहुत मजा आया। अरे अरे तितली रानी, कहाँ चली कहाँ चली? उड़ गई। बाय, फिर मिलना। टीचर हमें सुंदर सुंदर ड्राइंग भी बनाना सिखाती है, और पता है रेनबो यानी इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। और पता है टीचर ने मुझे अलग अलग शेप्स यानी आकार के बारे में भी बताया, और सबसे फेवरेट आकार है हार्ट। इतना ही नहीं, वो तो हमें म्यूजिक भी सिखाती है और अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी बताती है। सारा दिन हमारे साथ रहती है टीचर, हम सब क्लास में खूब मस्ती करते हैं। दोस्तों, हमें अपनी टीचर की खूब इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे गुरु है और हमें बहुत कुछ सिखाती है। बाय बाय। हाँ, मौसम भी कितना प्यारा है ना। अरे केंट कहाँ चला गया? आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। ये लो तुम सबकी आइसक्रीम। टिम, तुम्हारे लिए स्ट्रॉबेरी। लूक और मोमू, तुम दोनों के लिए भी लेकर आ रहा हूँ। मैं अभी आया। ओ, अरे नहीं, ये क्या हो गया? मेरी आइसक्रीम गिर गई। I'm sorry। कोई बात नहीं, तुमने जानबूझकर थोड़ी ना किया। चलो अब जल्दी से गले लग जाओ। ये देखो देखो, मैं आइसक्रीम लेकर आ गया। ये लो केंट, मेरे प्यारे दोस्त। चलो केंट, अब तुम खुश हो तो इसी बात पर एक प्यारा सा गाना सुना दो। अच्छा ठीक है, तो सुनो। मेरा नाम है केंट, मैं हूँ छोटू सा एलिफेंट। खुश रहना है एक्सेलेंट, लेकिन रोना नहीं है रेलेवेंट। इमोशंस के बिना नहीं है एंटरटेनमेंट। मजा आ गया। चलो एग्जांपल देता हूँ। कभी कभी तो गेम में हार जाने पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन जब हम अपने मन को शांत करके अपने दोस्त को सॉरी कहते हैं तो गुस्सा भाग जाता है। चलो चलो भागो भागो, जाओ जाओ जाओ। कभी कभी हम बहुत घबरा जाते हैं कि हमारा कितना सारा काम बचा है, कुछ समझ नहीं आता, और तब हमारी टीचर हमारा साथ देती है और काम पूरा करने में हमारी मदद करती है। पता है दोस्तों, हम हमेशा एक जैसा नहीं सोच सकते, हम सब में सारी फीलिंग्स होती हैं। ये बात हमें टीचर ने ही सिखाई है। आप सोच रहे होंगे ना हम में क्या फीलिंग्स होती हैं? रुको मैं समझाता हूँ। कभी कभी हम सब खुश होते हैं, कभी कभी हम गुस्से में होते हैं, कभी कभी दुखी होते हैं, तो कभी कभी घबरा जाते हैं। पता है एक दिन क्या हुआ? टीम को मस्ती करनी थी, हम सब पिकनिक पर थे और अचानक उसने हमें डरा दिया। वो बहुत मस्ती के मूड में था और हमने उस दिन बहुत मजे किए। वाह, आज मजा आ रहा है ना? वो देखो गुब्बारे वाला, चलो गुब्बारे खरीदते हैं। अरे ये बने क्यों लड़ रहे हैं? बाप रे, बहुत गुस्से में लग रहे हैं। सब सब इधर आ जाओ। टीम, तुम जाओ समझाओ। ये लो, और लड़ाई मत करो, गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। अरे तुम लोग क्यों दुखी हो? ये गुब्बारा लो और जल्दी से मुस्कुराओ। दादी माँ, ये लीजिए आपके लिए। अरे वाह, सब कितने खुश लग रहे हैं ना। चाहे जो भी हो जाए, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए और बाकियों को भी खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए। बाय बाय दोस्तों, केंट आपसे जल्द ही मिलेगा। आपका प्यारा सा छुटकू सा दोस्त कैंटी एलिफेंट। आज मैं मेले में बहुत मस्ती करूँगा। वाओ, कितने सारे खिलौने हैं! आज तो बहुत मजा आएगा। पर लगता है ये सारे खिलौने मुझे मिल नहीं सकते, इनके लिए मुझे 3 टिकट्स खरीदनी होगी। अरे वाह, लुक तुम भी यहाँ हो। पहला चैलेंज है इन गेंदों को कैच करना। नीचे एक भी नहीं गिरनी चाहिए। मैं कर सकता हूँ, मैं पकड़ लूंगा। मैं पकड़ लिया, मैंने पकड़ लिया। हाँ, मैं एक भी गिरने नहीं दूंगा, दूर जाके पकड़ूंगा। जल्दी जल्दी, स्विमिंग पूल में गिरने नहीं दूंगा, जल्दी से पकड़ लूंगा। पकड़ लिया, ये ये। मुझे पहली टिकट मिल गई, मतलब एक चैलेंज पूरा हो गया। अब दूसरी टिकट, अगला है बाइसिकल चैलेंज, इसे भी पूरा करूंगा। आसान लगता है? नहीं, मुश्किल लगता है, डर लग रहा है, कैसे करूंगा?
यही तो चैलेंज है, अपने डर से आगे बढ़ के चैलेंज को पूरा करना। और ये देखो मैंने पूरा कर लिया। अब मुझे मिलने वाला है मेरा इनाम, यानी कि दूसरी टिकट। देखो मिल गई, मैंने हिम्मत दिखाई और मैं आगे बढ़ा और टिकट मिल गई। दूसरा चैलेंज भी पूरा हुआ। अब है तीसरा चैलेंज, यानी हुला हूप चैलेंज। ये तो मैं आसानी से कर लूंगा, गोलू मोलू हो ना इसलिए। चलो चलो करता हूँ। अरे गिर गया, फिर से कोशिश करके देखता हूँ। कोई बात नहीं, ये देखो। अरे वाह, गोल 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 गोल, और फेंको, फेंकते रहो, बहुत बढ़िया, मैं नहीं रुकूंगा। तीसरा चैलेंज पूरा हुआ और टिकट मिल गई। तीनों टिकट मिल गई, अब टेडी बेयर भी मिल जाएगा। ये चलो। ये लो। अब बस देखना है कि नंबर्स मैच करेंगे या नहीं। काश मैच कर जाए। ये नंबर्स मैच हो गए, मैं जीत गया। अरे वाह, टेडी मिल गया। अब मैं चलता हूँ, फिर मिलूंगा, बाय बाय। हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ गया, आपका प्यारा सा छुटकू सा दोस्त कैंटी एलिफेंट। आज मेरा दोस्त टिम सब्जियां लाने वाला है, वो भी किचन में काम करेगा मेरे साथ। देखो मोमो सब्जियां लेकर आ गया। अब हम कुछ खाने के लिए बनाने वाले हैं। आज बनेगा सब्जियों का सूप जो हम मिलकर खाएंगे। अरे इसने तो पूरा खत्म कर दिया। तो क्या हुआ, हमारे पास ब्रोकली है। अरे वाह, ब्रोकली तो बहुत ज्यादा हेल्दी होती है। इसका सूप बनाकर पीने से हमें बहुत ताकत आती है। इसमें विटामिंस होते हैं जैसे ए सी ई। अरे मोमो, सूप को आराम से पियो। लगता है मोमो को बहुत ज्यादा ही भूख लग रही है। अरे मेरा भी सूप खत्म हो गया, भाग जाओ यहाँ से। चलो अच्छा है, अब मैं आराम से अपना कैरेट यानी गाजर का केक बनाऊंगा। पता है ये बहुत अच्छा होता है आँखों के लिए, हमें गाजर खाना चाहिए। बन गया मेरा केक, इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देता हूँ। अरे वाह केक, ये भी खा जाऊंगा। चलो अब साथ में कुछ स्पिनच यानी पालक का सैलेड भी बना लेता हूँ। पालक में बहुत सारा आयरन होता है, इसका सूप भी बना सकते हैं दोस्तों। मेरा सैलेड तो बन गया, इसे केक के पास रख देता हूँ और अब टिम को खाने के लिए बुला। अरे ये क्या आवाज थी? अरे मेरा केक और सैलेड दोनों गायब हो गए, ये कैसे हो गया? हाय केंट, मैं मटर लेकर आया हूँ, खाकर देखो कितनी मीठी है। हाँ सच में, चलो इसका कुछ बनाते हैं। इन्हें नरम बनाने के लिए पानी में थोड़ा सा नमक डालकर उबाल लेते हैं। ये डाला नमक और घुमा दिया। हाँ, मैं एवोकाडो भी लेकर आया हूँ। अरे वाह, तुम कितना कुछ लेकर आए हो। एवोकाडोस खाने से हम बहुत फुर्तीले हो जाते हैं। इन्हें टमाटरों के साथ मिलाकर बढ़िया सा सूप भी बना सकते हैं और सैलेड में काट कर भी खा सकते हैं। एवोकाडो मेरी मम्मा को बहुत पसंद है। चलो मटर के साथ इन्हें खाएं। अरे सारा खाना कहाँ गायब हो गया? ये क्या हो रहा है, सारी सब्जियाँ नीचे क्यों पड़ी हुई है? चलो देखते हैं। आज तो बहुत खा लिया, पेटू फट रहा है। तुम सब कुछ खा गए, रुको रुको, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो तुम, रुक जाओ। हेलो दोस्तों, मैं आ गया, आपका प्यारा सा छोटा सा एलिफेंट। आज बहुत गर्मी है। अच्छा ये ठंडा जूस है। अरे ये भी खत्म हो गया, अब हम क्या करेंगे टिम, इतनी गर्मी है ना। अरे वो देखो मोमो के पास आइसक्रीम है, चलो चलकर उसे मांगते हैं। हमें आइसक्रीम दे दो, हम तो बेस्ट फ्रेंड्स है ना मोमो, प्लीज हमें भी आइसक्रीम दो ना, बहुत गर्मी है मोमो। मेरा नाम है केंट, मैं हूँ छुटकू सा एलिफेंट। मोमो है मेरा बेस्ट फ्रेंड, वो है बहुत इंटेलिजेंट और आइसक्रीम देगा इन द एंड। अरे ये क्या हो गया, आइसक्रीम तो गिर गई, अब हम क्या करेंगे? मोमो तुम्हें चोट लग गई क्या? नहीं लगी। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, लोग रुको, हमें भी आइसक्रीम खानी है। मेरा नाम है केन, मैं हूँ छुटकू सा एलिफेंट। लुक है हमारा बेस्ट फ्रेंड, वो है बहुत इंटेलिजेंट और आइसक्रीम देगा इन द एंड। नहीं दूंगा, किसी को नहीं दूंगा। अब कहाँ भाग के जाओगे लुक, अब तो आइसक्रीम देनी ही पड़ेगी। नाराज मत हो, हम सब मिलकर खाएंगे। मैं किसी से बात नहीं करूंगा। मैं तुम सबके लिए ठंडी ठंडी आइसक्रीम लाया हूँ, चलो सब मिलकर खाते हैं। मिलकर खाने में ही तो असली मजा है दोस्तों। ये
हेलो दोस्तों, मैं फिर आ गया, आपका प्यारा सा दोस्त कैंडी एलिफेंट। लेकिन आज मैं आपको नजर नहीं आऊंगा, क्योंकि आज मैं अपने दोस्त टिम की कहानी सुनाने वाला हूँ, जो अलग अलग कलर्स दिखाएगा। और कलर्स के बारे में जानने के लिए वो अपने हवाई जहाज में निकल पड़ा। और ये चला जहाज, वहाँ उसने इंद्रधनुष भी देखा। पता है दोस्तों, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। फिर उसने पीले डैफोडिल्स का बड़ा बाग देखा। उसके बाद दूर दूर तक फैला हुआ नीला समंदर, जिसमें अलग अलग रंग की मछलियाँ भी थी। दुनिया कितनी रंगीन है ना दोस्तों। मुझे अभी अभी याद आया कि मेरे दादाजी का संतरों का एक बड़ा सा बाग था, और संतरे होते हैं नारंगी रंग के, और उसके पेड़ की पत्तियाँ हरी थी, और तितलियाँ भी थी नीले रंग की। मोमो के घर में ऑर्किड के फूल लगे हैं, जो बैंगनी रंग के होते हैं, और उसके यहाँ स्ट्रॉबेरीज भी हैं, जो कि लाल रंग की होती है। जब हम उसके घर जाते हैं तो ढेर सारी स्ट्रॉबेरीज खाते हैं। अब चलते हैं टिम के पास। टिम ने उड़ते वक्त सफेद डव पक्षियों को भी देखा। कितने सुंदर है ना। पता है, सफेद रंग और डव पक्षी दोनों ही शांति का प्रतीक होते हैं। रात के वक्त अंधेरा होता है और वो काले रंग का होता है। टिम थक गया तो वो एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुक गया, जिसका कलर था भूरा। गुड नाइट टिम, बाय। दूसरे दिन वो फिर से अपने सफर पर निकल पड़ा। उसने अपने हवाई जहाज में पूरी दुनिया का सफर कर लिया, गोल 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 बस घूमता ही रहा। अरे गोल गोल इसलिए क्योंकि दुनिया गोल होती है ना। चलो अब रिवीजन करते हैं। ये है येलो यानी पीला, ब्लू यानी नीला, ऑरेंज यानी नारंगी, ग्रीन यानी हरा, पर्पल यानी बैंगनी, और ये है रेड यानी लाल, और टिम का फेवरेट पिंक यानी गुलाबी। अगला वाला है व्हाइट यानी सफेद, और ये देखो काले रंग का चमगादड़, और इस उल्लू का कलर है ब्राउन यानी भूरा। देखो कितने सारे रंग हैं। बाय बाय दोस्तों, रंगों को भूलना नहीं, और मुझे बताना तुम्हें कौन सा रंग पसंद है। अगली बार मिलूंगा। हेलो दोस्तों, मैं वापस आ गया, आपका प्यारा सा छुटकू सा दोस्त कैंटी एलिफेंट। केंट, तुम तो मेरे बारे में बताना भूल गए। मैं हूँ लूक, तो चलो व्हीकल्स के नाम सीखें। हाँ चलो। मेरा नाम है केंट, मैं हूँ छुटकू सा एलिफेंट। मेरे साथ है लूक मेरा फ्रेंड, कुछ नया सीखेंगे हम तारों के संग। वाओ, तारे ने तो कितनी अच्छी ड्राइंग बनाई है। वो लेकिन ये है क्या? मुझे तो लग रहा है ये बोट यानी नाव है। हाँ, तुमने सही पहचाना केंट, हम दोनों ने पहचान लिया। नाव पानी में तैरती है। वाह क्या बात है। मेरा नाम है केंट, मैं हूँ छुटकू सा एलिफेंट। हाँ? पहले आई थी नाव मेरे फ्रेंड, अब देखते हैं क्या होगा इन द एंड। देखो केंट, डिजाइन बन गया। वाओ, ये तो बहुत सुंदर है। ये एयरप्लेन यानी हवाई जहाज है। हाँ, और जहाज में बैठकर हम कहीं भी जा सकते हैं, घूम सकते हैं। मजा आ रहा है, क्योंकि हम सब इसे पहचान रहे हैं। हे! मेरा नाम है केंट, मैं हूँ छुटकू सा एलिफेंट। पहले आया था जहाज मेरे फ्रेंड, अब देखते हैं क्या होगा इन द एंड। देखो देखो, एक और डिजाइन बना। हाँ, देखो देखो, एक और डिजाइन बन गया। अरे ये तो बस है। हाँ सही कहा लूक, हम इसी में बैठकर स्कूल जाते हैं। बस में हम बहुत मस्ती करते हैं। मेरा नाम है केंट, मैं हूँ छुटकू सा एलिफेंट। पहले आई थी बस मेरे फ्रेंड, अब देखते हैं क्या होगा इन द एंड। देखो ये कितना प्यारा ड्रॉ किया है ना। क्या ये साइकिल है? हाँ हाँ वही है, मुझे साइकिल चलाना बहुत पसंद है, इससे हम बहुत स्वस्थ रहते हैं। यस, हमने कर दिखाया।
हमने आज बहुत सारी व्हीकल्स के नाम सीखे। बाय बाय। बहुत मजा आया, हम फिर मिलेंगे और कुछ नया सीखेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूँ केंट और आज मैं ढूंढने वाला हूँ गोल्डन बनाना यानी सुनहरा केला, जिसके लिए पार करना होगा पेड़, उसके बाद एक दीवार जिसमें आकार है और सबसे आखिर में जादुई पत्थर। मेरा नाम है केंट, मुझे मिलेगा बनाना इन द एंड। मैं पेड़ के पास पहुँच गया, यहाँ मुझे 3 फ्रूट यानी फल इकट्ठे करने हैं। चलो मेरे साथ आओ। ये हो गया 1, 2 और 3 एप्पल्स। ये मैंने कर दिखाया, दरवाजा भी खुल गया। अब अगला पड़ाव है उस दीवार तक पहुंचना जहां आकार बने हैं। मैं तो चला, बस पहुंचने ही वाला हूँ। अच्छा, तो यहाँ मुझे आकर आकार ढूंढना है और उसके बाद दीवार में उन्हें फिट करना है। पता नहीं कर पाऊंगा या नहीं, कोशिश करके देखता हूँ। ये है ट्रायंगल यानी त्रिकोण। नहीं, ये तो गलत है। स्क्वायर यानी चौकोर। नहीं, ये भी गलत है। अब सर्कल यानी गोला लगा कर दिखता हूँ। मैंने कर दिखाया, ये दरवाजा खुल गया। अब अगला पड़ाव है जादुई पत्थर। चलो चलो चलो, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, पता नहीं वहाँ क्या होगा। अरे ये क्या? अच्छा, पत्थर पर जो शेप बना है उसमें रंग भरना है। ओहो, तो कौन सा रंग भरना चाहिए? ब्लू यानी नीला? नहीं नहीं, रेड यानी लाल। हाँ यही कलर है। हम सबको रोज एक एप्पल यानी सेब खाना ही चाहिए। देखो कितना प्यारा लग रहा है ना ये। वाह, ये वाला पड़ाव भी पूरा हो गया, दरवाजा खुल गया। अब बस मुझे उस केले तक पहुंचना होगा। सुनहरा केला, मैं आ रहा हूँ। मैं सारे पड़ाव अच्छी तरह से पार कर चुका हूँ, मजा आ रहा है। अरे वाह, वो देखो केला। हाँ, कितना सुंदर लग रहा है। मिल गया, अगली बार फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो दोस्तों, मैं आ गया, आपका प्यारा सा छुटकू सा दोस्त कैंडी एलिफेंट। और जानते हैं आज मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ? कोई गैस कर सकता है? चलो देखते हैं। पहले मैं इस ब्लैक बोर्ड पर कुछ ड्रॉ करूँगा और गैस करना मैंने क्या बनाया है। ओह, कौन सा शेप है ये? कोई गैस कर सकता है? मैं बताता हूँ, ये है रेक्टेंगल यानी आयताकार। अब मैं इसमें एक दूसरे कलर की चौक से कलर भर देता हूँ। देखो कितना अच्छा लग रहा है ना? वाओ! अब बताओ ये कौन सा कलर है? पिंक यानी गुलाबी। और गुलाबी रंग की लॉलीपॉप्स होती हैं। सही कहा ना? चलो दोस्तों, अब दूसरे आकार की बारी है। बताओ ये कौन सा आकार है? आकार को शेप भी कहते हैं। तो ये कौन सा शेप है? ये है सर्कल यानी वर्ग। अब मैं इसमें भरने जा रहा हूँ रंग, जिससे ये और भी ज्यादा सुंदर लगेगा। और आपको गेस करना है कि मैंने इसमें कौन सा रंग भरा है। कौन सा कलर है ये? हाँ, येलो यानी पीला, जिस रंग का सूरज यानी सन होता है। ये चलो फिर से गेस करो कि मैं क्या बना रहा हूँ। बताओ बताओ, कौन सा शेप है ये? कोई गेस कर सकता है? ये है स्क्वायर यानी चौकोर। अब मैं इसके अंदर एक प्यारा सा रंग भरने वाला हूँ। अब तुम सबको इस रंग को पहचानना होगा। तो कौन सा कलर है ये? बताओ। ये है ग्रीन यानी हरा, जिस कलर की ब्रोकली होती है। अब मेरे पास 3 आकार हो गए। अब मैं इन 3 आकारों से एक बस बनाऊंगा। ये आया आयत, उसके बाद गोले से टायर्स और चौकोर की खिड़कियाँ। अब थोड़ी सी फिनिशिंग दे देता हूँ और तैयार है मेरी बस।
जो कि जाने के लिए एकदम तैयार है। अब मैं जा रहा हूँ और अगली बार फिर मिलूंगा। बाय बाय दोस्तों। हेलो दोस्तों, मैं आ गया। आज मैं किसी से दोस्ती कराने आया हूँ। उसका नाम है एली पंजल। मेरा नाम है केंट। मैं हूँ छुटकू सा एलिफेंट। तुम्हें करूँगा एंटरटेन। प्लीज बन जाओ ना मेरी फ्रेंड। वाहू! लेकिन मैं ऊपर कैसे आऊँ? मुझे ऊपर आना है, ऊपर आना है। अब कैसे मिलूंगा तुमसे? हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। मैं ये एप्पल यानी सेब खा लेती हूँ, इससे मेरी चोटी लंबी हो जाएगी। वाह, देखा? मैं इस लाल रंग की चोटी को पकड़कर ऊपर आ जाऊंगा। यस! अरे नहीं नहीं, आ पा रहा हूँ। अब क्या करें? हाँ? अरे वो देखो, मुझे तो टिम ने काम दिया है। इसे खा लेती हूँ। देखा, चोटी और बड़ी हो गई। ये मैं पीली रंग की चोटी को पकड़कर ऊपर आ जाता हूँ। अरे नहीं आ पा रहा। अब क्या करेंगे? पता नहीं। रुको, मेरे पास आइडिया है। ये लो नाशपाती। ठीक है, जल्दी से इसे खा लो। देखो, मेरी चोटी और लंबी हो गई। अब मैं जल्दी से हरे रंग की चोटी को पकड़कर ऊपर आ जाऊंगा। अरे नहीं, इससे भी काम नहीं बना। मुझे नहीं लगता केंट तुम ऊपर आ पाओगे। अरे ये धम 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 की आवाज कहाँ से आ रही है? ओह, ये तो डायनो अंकल है। ये भी मेरे लिए फल लाए हैं। ओह, ब्लूबेरीज। वाह, अब मैं नीले रंग की चोटी को पकड़कर ऊपर चढ़ ही जाऊंगा। हाँ। ये लो, मैं आ गया। यप्पी। मैं आ रहा हूँ, चढ़ के आ रहा हूँ। मैं आ गया। बाय बाय दोस्तों। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट छोटा केंट।